जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्विनर सीएस पर। और इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर का, सीए फाउंडेशन का, अकाउंट का, सितंबर 24 का जो कि पहला पेपर है, उसका एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी सीए फाउंडेशन और इंटर के जो पेपर के हैं वो रिव्यूज़ देने वाला हूँ। उसके बारे में आपको बता दूँ कि जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ, ये मेरे जो कई सारे दोस्त हैं जिनका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, उनके बेसिस पे देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पोल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर का लेवल क्या था। तो मैं बता दूँ कि एज यूजुअल अकाउंटिंग का पेपर जो कि लेंदी आता है, पेपर लेंदी था, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। पेपर के अगर लेवल की बात करें तो उसके लिए जो मैंने पोल किया था उसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। जो है लगभग 80 से 90% पोर्शन जो था वो ICI मॉड्यूल से था, ऐसा 25% बच्चे कह रहे हैं। वहीं 25% बच्चे कह रहे हैं कि 80 से 90% जो पेपर था वो RTP मॉड्यूल, MTP सब मिला के था। और लगभग मान के चलिए आप 10-20% बच्चे हैं, 20% बच्चे कह रहे हैं कि जो पेपर था वो आपका न्यू क्वेश्चंस ज़्यादा थे, हो सकता है, और बाकी का तो कुछ समझ नहीं आया अदर पोल के है। तो मैं आपको बता दूँ जो पेपर के अगर लेवल की बात करूँ ओवरऑल, तो पेपर एवरेज था, इवन बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं था। ICI मॉड्यूल से लगभग 80 से 90% की कवरेज थी, RTP MTP से भी लगभग आप मान लो 20 से 25% की कवरेज थी। क्वेश्चन की जो लेवल थे वो थोड़ा सा एक दो जगह पे ट्रिकी पॉइंट्स रखे गए थे, जैसे BIS के क्वेश्चन हो गया, NPO के क्वेश्चन हो गया। और अगर बात करें ट्रू फॉल्स की, ट्रू फॉल्स में एक दो ट्रू फॉल्स थे जो थोड़ा सा ट्रिकी थे, उसके अलावा सारे ट्रू फॉल्स ऑलरेडी PYQ से ही आए थे, जो पहले ICI के उसमें आते रहे हैं। और इससे ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका अगला पेपर लॉ का है, आप उस पर फोकस कीजिए और इस वीडियो को यहीं पे भूल जाइए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।